खबर जबलपुर से है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ का पुतला फूंका और जहां लगभग 40 से 45 भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी चौक मदन महल में गिरफ्तारी दी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो रहे थे और विरोध करने के लिए। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, उनका ये कहना था कि इस धरने में गिरफ्तारी की गई है, जो कि ये यहाँ प्रदर्शन चल रहा था, बिना अनुमति का प्रदर्शन होने के कारण इस पर प्रकरण भी दर्ज किया गया है और उनकी अरेस्टिंग भी की गई थी। इसके बाद एक कार्यक्रम इनका अभी अचानक प्रत्याशित हुआ था कि 2:15 पर माननीय सीएम साहब का पुतला दहन करने का कार्यक्रम था, जिस संबंध में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुतला दहन होने से रोका और कानून व्यवस्था की स्थिति भंग होने की स्थिति को देखते हुए इनको तत्काल गिरफ्तार करके हॉकी ग्राउंड भेजा है। फिलहाल क्या संख्या होगी इन कार्यकर्ताओं की? करीब 40-45 लोग थे। कमलनाथ जी, आपने जो दोहरी व्यवस्था बना रखी है, इसी जबलपुर शहर में आप एक धरने के नाम पर रद्दी चौकी के अंदर नंगा नाच करा रहे हैं, दूसरे जब लोग शांतिपूर्वक मौन धरना दे रहे हैं तब उनको उठाकर आप जेल में बंद कर रहे हैं। हम सब लोग उसका प्रतिकार करने आए, पुलिस के साथ कोई हमारा कोई लड़ाई नहीं है, इन्हीं पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका कलेक्टर क्या दुम दबाकर नाच रहा है कमलनाथ जी के इशारे पर। हमें परमिशन नहीं दी जा रही, वो छात्र वो युवा यहां पर बैठे थे उनको परमिशन नहीं मिली, 3 दिन से परमिशन मांग रहे, उठाकर उनको बंद कर दिया गया है। अरे कलेक्टर साहब, इतना अच्छा डांस करते हैं, इतना अच्छा नृत्य आप दिखा रहे हैं कमलनाथ के इशारे पर, एक दो नृत्य हमारे सामने भी दिखा दीजिए, लेकिन जबलपुर शहर की फिजा बिगड़ने नहीं दी जाएगी। रद्दी चौकी के अंदर जो नंगा नाच चल रहा है, धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार से तोड़फोड़ चल रही है, पुलिस प्रशासन पर जिस प्रकार से पथराव हो रहे हैं, आम नागरिकों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और मैं आज कहता हूं,
कि कल कमलनाथ का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मैं विरोध कराऊंगा और पुरजोर विरोध कराऊंगा कमलनाथ का। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार इस मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी के द्वारा लगातार इस मध्य प्रदेश में तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। जिस तरह से पिछले 10 दिनों से गोरद्दी चौक पर जो धरना दिया जा रहा है, अनैतिक रूप से धरना दिया जा रहा है, वहां पर देश के प्रधानमंत्री का सर कलम करने की बात कही जा रही है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि इस जबलपुर शहर के कलेक्टर साहब के द्वारा उनको अलग नहीं किया जाता। मगर देश को बचाने के लिए, जबलपुर को जलने से बचाने के लिए जिन लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया, उनको बर्बरतापूर्वक उठा दिया जाता है। तिरंगा यात्रा होती है उसमें पथराव किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कमलनाथ के सारे पर कमलनाथ जी अपने दमादों के ऊपर कार्रवाई न कराते हुए उस तिरंगा यात्रा में राष्ट्रभक्तों के ऊपर FIR दर्ज कराने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुष्टिकरण की राजनीति को मध्य प्रदेश का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में कमलनाथ की ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक नौजवान करेगा।